अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, बिलाल नामा पे खुश आमदीद। ख़वातीन हज़रात, आज सुबह के 10 बजे हैं और दिन है 14 जून 2023। आज इन्होंने पहले से महकमा मौसमियात ने वेदर की प्रेडिक्शन की हुई थी कि बारिश होगी। डिपर जॉय जो साइक्लोन है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, उसके जो आउटस्कर्ट्स हैं वो यहाँ तक आए हैं। ये बारिश का आगाज़ हो चुका है, ये फर्स्ट एपिसोड है बारिश की। आप देखें, मैं घर की बैल्कनी से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि क्लियर व्यू आप लोगों को दिखा सकूँ। ये दूर तक का व्यू देख सकते हैं, ये सब जगह बारिश हो रही है, सारी सड़कें भीग चुकी हैं। अभी बारिश में वो शिद्दत नहीं है, हल्की है। अलबत्ता सुबह से ही बारिश की बारिश लाइट जा चुकी है, लाइट नहीं आ रही है। ये बहुत बहुत मसला हो गया जिन लोगों के पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस नहीं हैं उनके लिए, तो वाकई ये एक मसला है। और ये हमारे पास सोलर इंस्टॉल्ड है, अभी आपको ये सोलर दिखाता हूँ। ये सोलर में आप देखिए कि इस वक्त बारिश हो रही है, बारिश हल्की है लेकिन फिर भी इसकी पावर जनरेशन हो रही है। 412 वोल्ट्स ये इनपुट दे रहा है और तकरीबन 1 किलोवाट के बराबर इसके अंदर पावर आ रहा है। बैटरी भी मेरी पूरी चार्ज्ड है और घर में जो है अप्लाइंसेस पूरी इसके ऊपर फंक्शन कर रही हैं, सोलर के ऊपर काम कर रही हैं। अगर आपके पास सोलर अच्छा इंस्टॉल्ड है, ए ग्रेड है, तो बेस्ट है, वरना अगर बी ग्रेड है या कोई और या कॉपी है तो फिर उसमें ज़रा मसले होते हैं। लेकिन आप लोग सब लोगों से मेरा यही रिकमेंडेशन है, सजेशन यही है कि सोलर इंस्टॉल करें और लाइट से आप छुटकारा हासिल करें। अभी देखें, मैं बाहर आ गया था और ये आपको मैं बाहर गेट से ना अच्छी तरह व्यू कराता हूँ बारिश का। अभी थोड़ी देर में अगर बारिश रुकती है तो मैंने सोचा है कि हम सब घर वाले दरिया की तरफ जाएंगे, दरिया का रुख करेंगे, दरिया पे जाके दरिया के किनारे वहाँ पर ज़रा इंजॉय करेंगे। तो अभी मिलते हैं दरिया के किनारे। तो गाइज़, ये अभी हम दरिया के किनारे यानी कि दरिया की तरफ आ चुके हैं। ये जो लोकेशन है ये भी हम हमारे घर से सिर्फ तकरीबन 5-10 मिनट दूर है। अगर गाड़ी में आते हैं तो सिर्फ 5 मिनट है, लेकिन अगर बाइक पे या अगर किसी और कन्वेंस के थ्रू आते हैं तो सरासी देर लग जाती है। लेकिन ये हमारे बहुत करीब है घर से लोकेशन। ये यहाँ पर हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, कुछ ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, अगर लड़के हैं लड़के भी आए हुए हैं। और वैसे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा है, फ्रेंडली है, फैमिली फ्रेंडली है। आप लोग अगर हैदराबाद के रहने वाले हैं तो इस लोकेशन पे ज़रूर आएँ, इसको एंजॉय करें। मैं ये दरिया के करीब आ गया, हमने सोचा कि चलें इधर करीब आए हैं तो दरिया के और करीब आते हैं। यहाँ पर लोग अभी इसमें नहा भी रहे हैं, बारिश का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे से अभी फ़िलहाल रुका हुआ है। बहुत मामूली सी हल्की सी बरसात हो रही है, हल्की हल्की फुहार आ रही है बारिश की, लेकिन इस वक्त मज़ा आ रहा है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी हवा है, मामूली सी हल्की सी धूप है, पानी बहुत अच्छा है। पानी पहले इस दरिया में बहुत कम हो गया था, लेकिन अब इन्होंने जाम शोरों के जो गेट्स हैं या वो जो डैम के गेट्स हैं वो इन्होंने थोड़े बहुत खोले हैं, जिससे पानी का यहाँ पर बहाव बढ़ गया है। लेकिन पानी बहुत अच्छा है, ठंडा फ्रेश वाटर है यहाँ पे। इसमें पानी में पाँव डाल के खड़े होना, इसमें ज़रा एंजॉय करना ना, बहुत मज़ा आता है इस पानी में खड़े होने से। वेदर भी आप देखें, वेदर भी काफ़ी क्लियर है, अच्छा वेदर है। क्लियर तो नहीं, क्लाउडी वेदर है, लेकिन मौसम खूबसूरत है, मज़ा आ रहा है इसको देख के। आसमान की खूबसूरती में इन बादलों ने मज़ीद इजाफा कर दिया है। ये आप देखें, सामने फैमिलीज़ हैं, ये मेरे भाई खड़े हुए हैं बड़े, और हमारे अलावा भी काफ़ी अच्छी तादाद लोगों की यहाँ पर आ पहुँची है। लोगों को वैसे इस पॉइंट के बारे में पता नहीं था, लेकिन जो जो यहाँ पे लोगों को एक दूसरे को देख के यहाँ पे लोगों का रुख हो जाता है। ये सरमस्त के बिल्कुल नीचे जगह वाक़ है, यानी कि हबीब फार्म है उससे पहले जगह मौजूद है। यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स हैं, यहाँ पर किसी जगह से भी किसी भी तरफ से आप यहाँ पर आ सकते हैं और अच्छी तरह से आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अपने बच्चों को लाइए, अपनी फैमिलीज़ को लाइए, कोई इशू नहीं होता, कोई टेंशन की बात नहीं होती।
और सबसे बड़ी बात ये साफ़ सुथरी जगह है, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है। जैसे लोग कलरी लेक वगैरह या सी व्यू वगैरह जाते हैं, वहाँ पे कचरा होता है, गंदगी होती है। तो मेरी लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि यहाँ पर आएँ, एंजॉय करें, लेकिन यहाँ पे कचरा ना फैलाएं, यहाँ पे गंदगी ना करें। जो आप अपने साथ चीज़ें वगैरह लेकर आते हैं उसके रैपर्स वगैरह अपने साथ ही लेकर जाएं, ताकि हमारा माहौल ख़राब ना हो और ये गंदगी जो है इससे हम महफूज रहें। ये दो तीन मैंने अच्छे अच्छे से या अपनी कोशिश की थी कि थोड़े बेहतर शॉट्स में लूँ, ये आप लोगों को दिखाता हूँ या आप शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए। तो व्यूअर्स, अभी हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं और ये ब्लॉग मैंने आपको दिखाया, इसमें हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे हमने यहाँ पर तकरीबन दो घंटे से ज़्यादा नहीं, 2 घंटे ही हमने यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड किया। काफ़ी अच्छा वक्त रहा, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, बिल्कुल हम रिलैक्स हो गए, पुरसकून हो गए। अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम वैसे पकौड़े और समोसे और जो देसी एपेटाइज़र्स हैं वो भी लेकर आए थे, और यहाँ पर जो वेंडर्स हैं आइसक्रीम वाले और जो देसी चीज़ें बेचते हैं चाट वगैरह, ये लोग भी वहाँ पे पहुँच गए थे, ये भी अपना बेच रहे थे, इनकी भी सेल्स अच्छी हो जाती हैं आवाम अगर ज़्यादा पहुँचे तो। और अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। तो व्यूअर्स, ये मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग था। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए आप लोगों को कैसे ब्लॉग्स देखना ज़्यादा पसंद है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।